दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते शनिवार दोपहर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में पहुंच गए, जिसके बाद इनमें से दो चीतों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाड़े में रिलीज किया। बाकी 10 चीतों को अन्य अतिथि रिलीज करेंगे। कूनो आए चीतों में 10 नर और 5 मादा है। चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अफसर कूनो पहुंचे। यहां आने के बाद मुख्यमंत्री के साथ तीनों मंत्रियों ने जिप्सी से चीतों के बाड़े का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम समेत अन्य मेहमान वाइल्ड लाइफ की जैकेट और कैप लगाए हुए दिखे। बता दें कि इससे पहले पिछले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कूनो में नामीबिया से लाए गए 8 चीते छोड़े गए थे, जो कूनो के बड़े बाड़े में बेहतर तरीके से रह रहे हैं। अब दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और लाए गए कूनो में। इनके आने के बाद पार्क में चीतों की कुल संख्या 20 हो जाएगी। हेलीकॉप्टर से 12 चीतों को उतारने के बाद उन्हें क्वारंटाइन बोमा में लाया जाएगा। हेलीपैड से क्वारंटाइन बोमा की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कूनो नेशनल पार्क में आज चीतों की संख्या बढ़ने वाली है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। यह उनका विजन है। चीतों का पुनर्वास पर्यटन और रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज एक और अच्छी खबर है, कूनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनवा बढ़ने वाला है। मैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। यह उनका विजन है कि चीते फिर से पुनर्स्थापित हो रहे हैं भारत की धरती पर, एशिया महाद्वीप में, और वो भी मध्य प्रदेश के कूनो में। आज 12 चीता आएंगे और चीतों का कुनवा बढ़कर अब 20 हो जाएगा, तो चीते भी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। दक्षिण अफ्रीका से इन 12 चीतों को लेने के लिए एयरफोर्स का विशेष विमान वहां पहुंच गया था। शुक्रवार 17 फरवरी की शाम वो इन्हें लेकर वहां से ओआर टैम्बो एयरपोर्ट से रवाना हुआ और 18 फरवरी शनिवार के सुबह 10 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट बेस पहुंचा। ये चीते 1 महीने क्वारंटाइन बाड़े में रहेंगे, क्योंकि ये 7 महीने से अफ्रीका में क्वारंटाइन थे।